हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हो। मैं भी ठीक हूँ। पहले से तबीयत बेटर है, बहुत ही ज्यादा बेटर है। मतलब अभी अगर आप लोग पूछोगे कि तबीयत कैसी है, 100 में कितना दोगे, तो मैं 100 पे 101 दूंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा ठीक हो चुकी हूँ। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। मैं बता दूं क्या करने वाली हूँ। अपने लिए आज लंच प्रिपेयर करने वाली हूँ। बहुत ही क्या बोलूं, ऐसा लंच आज खाऊंगी जो हेल्दी भी है और क्विकली बन जाता है और पेट भी भरा रहता है। सो, बता दूं क्या बनाने वाली हूँ। एक्चुअली इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, शायद रायता बोलते हैं। जैसे आप लोग दही के साथ खीरा उड़ा बूंदी उंदी मिक्स करके रायता बनाते हैं ना, जैसे बूंदी के रायता बनते हैं, उसको शायद रायता ही बोलते हैं, आई डोंट नो। सो मैं आज वही बनाने वाली हूँ, बट फ्रूट्स के साथ। आज एक्चुअली फ्रूट्स मुझे बहुत सारा लेना था मार्केट से, बट मिला नहीं, तो जो मिला वही मैं लेके आई हूँ। मुझे आज मार्केट से मिला अंगूर एंड एप्पल, और इसी को ऐड करके मैं आज दोपहर का वो खाना मैं बनाऊंगी। तो देखिए, मैं यहाँ पे पहले इसको काट लेती हूँ, छुरी से नहीं काट रही हूँ, क्योंकि छुरी से काटूंगी तो फिर बहुत लेट होने वाला है। मेरे से छुरी से कटता ही नहीं है, और कटेगा भी तो बहुत मोटे मोटे पीसेस में कटेगी, और मैं चाह रही हूँ एकदम स्लाइस जो करेंगे ना इसका, एकदम छोटे 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 छोटे। तो देखिए, इसमें आप लोग बहुत सारे फ्रूट्स डाल सकते हो, जो मर्जी, जो फ्रूट आपको पसंद है वो फ्रूट आप डालो, ढेर सारे फ्रूट्स डालो। इसके चक्कर में पता है, जिसको फ्रूट्स खाना पसंद नहीं है, जैसे मुझे फ्रूट्स खाना पसंद नहीं है, बट ये जो खाना है ना, ये मुझे बहुत पसंद है खाना, तो इसके चक्कर में फ्रूट्स भी खा लेती हूँ। तो वैसे मैं आप लोगों को भी सजेस्ट कर रही हूँ, अगर आप लोग को फ्रूट्स खाना पसंद नहीं है तो आप इस तरीके से फ्रूट्स खाओ। अगर आपको दही खाना पसंद है ना, तो फिर आपको ये बहुत ही अच्छा लगने वाला है। मैंने पहले ये वाला, जब मुझे मेरे फ्रेंड ने बोला था खाने के लिए, मैंने बोला था नी दही के साथ फ्रूट्स मिक्स करके कौन खाता है। तो एक बार मैंने टेस्ट किया, मुझे इतना अच्छा लगा, अगले साल गर्मी में मैंने बहुत पर खाया था, ठीक है। फिर तो ठंडी का मौसम आ गया, तो ठंड में दही हम लोग नहीं खाते हैं, बहुत से लोग खाते हैं बट मुझे पसंद नहीं है। तो देखिए, अभी एक मैंने एप्पल लिया है, मैं ज्यादा एप्पल आज नहीं ले रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा खाएंगे, ज्यादा नहीं। और अंगूर को भी मैं कट कर रही हूँ, आप लोग चाहो तो साबुत डाल सकते हो, शायद गोटा गोटा जिसको बोलते हैं, तो जैसे आपकी मर्जी। और इसमें अगर घर पे आपके ड्राई फ्रूट्स हो तो आप ड्राई फ्रूट्स डाल दो, जो भी ड्राई फ्रूट्स रहेंगे। अगर कुछ ना रहे, अगर किशमिश रहे तो वो डाल दो। मेरे पास ड्राई फ्रूट्स नहीं होते हैं तो मैं किशमिश डाल देती हूँ, तो थोड़ा सा मीठापन आ जाता है उसमें। आज मैं इसमें किशमिश नहीं डालूंगी, पता है क्यों? क्योंकि मैं अंगूर दे रही हूँ, अंगूर और किशमिश तो सेम है। एक चीज मैं भूल गई, कल मैंने दही जमाया था, बाहर रखा हुआ था, मैं आई ना फ्रिज में डाल दिया मैंने उसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए, और निकालना भूल गई, बहुत ज्यादा ठंडा हो जाएगा। पहले मैं इसको निकाल लूं, मैं निकालना ही भूल गई, अभी उतना भी ज्यादा गर्मी आया नहीं है, ठीक है, कि ठंडी ठंडी दही खाना पड़े, बट फिर भी थोड़ा सा ठंडा रहे ना, तो फिर ये खाने में और मजेदार लगता है, तो इसीलिए मैंने उसको मतलब आते ही फ्रिज पे डाल दिया था। कम से कम 2 घंटा हो गया, मैं भूल गई निकालना। तो देखिए, मैं अंगूर को छोटे छोटे पीसेस में काट रही हूँ, और अंगूर जो है वो मीठा होना चाहिए। आप चाहो तो काले अंगूर भी डाल सकते हो, जो मर्जी, कुछ भी डाल सकते हो, जो हो आपको पसंद है फ्रूट्स, वो आप लाके इसमें ऐड कर दो। तो अंगूर थोड़े से दूंगी ताकि मीठा हो, और ये जो अंगूर है ना, बहुत 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 ज्यादा मीठा है। मैं जब भी अंगूर खरीदती हूँ दुकान से, टेस्ट करके लेके फिर खरीदती हूँ, नहीं तो ज्यादातर मुझे अंगूर पता है क्या होता है, सब खट्टे हो जाते हैं, और खट्टे अंगूर मुझसे खाया नहीं जाता है, बिल्कुल नहीं खाया जाता है। और ये आज मुझे थोड़ा सा सस्ते में मिला, 30 रुपए में 1/2 किलो, वो भी ऐसे डंडी से निकाला हुआ था। इस तरह का जो अंगूर मिलता है ना, ऐसे निकाले हुए, ये थोड़ा सा सस्ता रहता है, ठीक है, और जो डाल पे लगे हुए रहते हैं वो महंगा आता है, तो मैं ज्यादातर इसी को खरीदती हूँ। चलिए, अंगूर थोड़ा सा और काटेंगे, बाकी और क्या क्या ऐड करूंगी वो भी मैं दिखा रही हूँ आप लोग को। देखिए, एक कटोरी हो गया अंगूर, एक एप्पल और बहुत सारा अंगूर मिला के मेरा कटोरी जो है वो पूरा भर गया।
तो इतने से में होगा नहीं, मुझे थोड़ा बर्तन जो है वो बड़ा लेना पड़ेगा। अभी देख रही हूँ मेरे पास इतने बड़े बर्तन है कि नहीं खाने के लिए। मिल गया, ये रहा, ये भी काला वो भी काला। मुझे काला रंग इतना पसंद है कि मैं बर्तन भी काला लेके आती हूँ। काला रंग पसंद है, मैं काला देख लेती हूँ ना, सच में मुझे काले रंग का बर्तन बहुत ट्रेंडी लगता है, एक फैशन फैशन जैसा उसमें आता है। मार्केट में जाती हूँ, काले रंग के प्लेट्स देखती हूँ। देखिए मेरे पास काले रंग के प्लेट्स भी हैं, ये देखो सब काला। तो चलिए हो गया ना, अब हाँ, अब इसमें करते हैं हनी को ऐड। हनी ऐड करिए, नहीं एक सेकेंड, सब उल्टे पुल्टे कर रही हूँ आज। एक्चुअली मुझे काम पे निकलना है, लेट हो रहा है तो इसके लिए हड़बड़ हो रहा है मुझे। तो ये रहा, बहुत सारा हो गया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ दही, ये देखो कितना अच्छा दही जमा है, देख रहे हैं। दही जाना जमाने वाला जो दूध होता है ना, उसमें मैंने पानी बिल्कुल नहीं दिया, बस ये जो दही है इसमें से थोड़ा सा मैं निकाल के रखूंगी वापस से दही जमाने के लिए, और एक बार और ऐसे बना के खाएंगे या फिर लस्सी बनाएंगे। ये मैंने दही लिया, अब इसमें मैं ऐड करूंगी हनी। हनी आप लोग चाहो तो डाल सकते हो, कितने जन होते हैं ना दही खट्टा रहता तो नहीं खा पाते हैं, बट अगर आप लोग ड्राई फ्रूट्स डाल देते हो ना, काजू आमंड किशमिश, इससे मीठा हो जाता है, तब हनी की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर भी हनी चाहिए तो फिर ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। मुझे खट्टा दही पसंद नहीं है, मुझे थोड़ा थोड़ा मीठापन चाहिए। अंगूर से थोड़ा थोड़ा मीठा हो जाएगा, बट फिर भी मैंने मधु मिलाया इसमें। तो ये देखिए इसमें और ढेर सारे फ्रूट्स आप लोग डालोगे ना तो ये और कलरफुल दिखेंगे, जैसे बेदाना होता है ना, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, डालिम बोलते हैं शायद, पता नहीं, वो अगर होता ना तो फिर इसमें रेड रेड दिखता, अच्छा लगता। केला होता तो फिर और खाने में अच्छा लगता। मैं किसी दिन किसी और दिन इस वीडियो को वापस से बनाऊंगी, उस दिन ढेर सारे फ्रूट्स ऐड करूंगी, उस दिन देखना और अच्छा लगेगा। तो चलिए अब मैं आप लोग के सामने खाके बताती हूँ। ये बन चुका है, देखिए एक ही मैंने एप्पल लिया था, वो भी छोटा सा एप्पल, और थोड़ा सा अंगूर लिया था, एक कटोरी बन गया है। और इसमें अगर ड्राई फ्रूट्स होता ना तो फिर खा के पेट बिल्कुल भर जाता। देखिए क्या लग रहा है खाने में, आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। गर्मी का मौसम है, ढेर सारे फ्रूट्स खाओ, हेल्दी रहो, साथ में थोड़ा सा डाइट भी करो, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे ऑफ करते हैं। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। ओके टाटा।